हेलो गाइस, तो आज है मेरी अम्मी जी का बर्थडे और हम अम्मी के लिए छोटा सा हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट लाए हैं। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट जैन है। आज मेरी अम्मा जी का बर्थडे भी है और आज न्यू मतलब फर्स्ट ईयर न्यू ईयर भी है। देखिए, ये रही डियर शिवानी और ये रहा डियर अम्मा का डियर गिफ्ट। तो चलिए अब हम अम्मा जी के पास और उनको ये गिफ्ट देंगे और उनके रिएक्शन कैप्चर। अभी हम अम्मा जी के पास जाएंगे और अम्मा के रिएक्शन कैप्चर करेंगे कि अम्मा कैसे खुश होती हैं ये गिफ्ट देखकर। कहाँ है अम्मा? यार, अरे हमारी दादी माँ हमें धोखा देके जा चुकी। अम्मी तो यहाँ पे है ही नहीं। देखो, टीवी भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, अंदर की लाइट भी ऑन है, सब ऑन है, सबको बंद किया जाए। आज ही अम्मा जी को तो ढूंढना पड़ेगा। अम्मा जी पता नहीं कहाँ है, तब तक इसको बुझा दो। हाय, वैसे मुझे नहीं पता कि हम ये क्या गिफ्ट लाए हैं। और हम ये दोबारा जा चल रहे हैं। अब अम्मा घर हमें मिल गई है। चलिए, अम्मा अभी फोन पर व्यस्त है, बट इट्स ओके। अम्मा, हैप्पी बर्थडे। अम्मा जन्मदिन मुबारक हो। अम्मा 2 मिनट बोलता, 2 मिनट रुक। ठीक, टिका 2 मिनट कर देंगे। अच्छा अच्छा, फूक मार अम्मा, फूक मार, फूक मार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लगे ना बनाने खाना। हैप्पी बर्थडे डियर अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू भी खा अम्मा, तू भी आ। तुम्हारा गिफ्ट लंदिरा केक उसरता तो केक लंदिरा ने पाई। तुम्हारे पार्टी तुम आए थे हुनी। हां, बड़े खुशी वाला दिन ना जी अज। और इसे भी पता नहीं है कि इसमें क्या है, तो इनके लिए भी सरप्राइज। खारी बच्चा, खारी बोल दे, जरूर करी कने। ये सिर्फ मेरे को पता है। ठीक है, हम दौड़ लिए। ठीक, अभी से खबर देखो जो कुछ पता चला। और अब इसको खोलो। तो हम जो एड काम लग गया। खोल लो इसको। क्या खोल दे? नहीं, खोल दिया। तू खोल, तुम खोल। खोलो, खोल देता बाद। बल्ले 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 बल्ले, तानो मेरे पकड़ो, मेरे सत्यनारायण महाराज, मेरे परमात्मा महाराज, बुढ़िया रा जन्मदिन मुबारक हो, कृष्ण भगवान के साथ में हेड बोल। हां, सुंदरा। हां, भी सुंदर है। अम्मा तो सुंदर ही आई है। बोल अम्मा, मैंने समझी। ओके गाइस, तो डियर अम्मी का डियर बर्थडे भी हो गया, मतलब आज है लेकिन अभी हो गया खत्म। हमने अभी सेलिब्रेट कर लिया, खत्म से सुबह होगा।
और हमने मैचिंग मैचिंग और देखिए और हमने मैचिंग मैचिंग गाइस दूर रहिए दूर रहिए इस लड़की गाइस दूर रहिए दूर रहिए हटिए कुछ कीजिए देखिए गाइस हमने ट्विनिंग की है सेम सेम और मैं कितनी गोरी लग रही हूँ इससे गाइस थोड़े बहुत थिनबा मुझे अच्छा गाइस इसके दांत भी दर्द हो गए और मेरे भी दांत में और मुझे सुबह सारे यहाँ से इधर को ही पटाखा मारे पटाखे और मेरी मम्मी एंकलियाँ पका रही है चलिए चल के मम्मी का हाल देखते हैं नेहू पहले साला पता नहीं क्या सुनना तो मट्टे है एक बार मैं छिक के ना सड़क चल रही हूँ तुम्हें गड्डिया तो निकले था कॉन्टलर चल रहा था कर मैं खाई पिस रहा प्यार कुछ किन्ने डॉलर कमाए मेरी बहन पूछ दी देखिए मम्मी भोगड़े बना रही है बकरियों के लिए देखो भोगड़ों से पटाख पटाख भी होने लगे बाहर बारिश लगी है कितने क्यूट बने रही मम्मी मम्मी अपने स्टाइल ने बोलती है जो हो ले देखिए बरसात का मौसम है और मम्मी नहीं मतलब बारिश का मौसम है और मम्मी लगातार हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पका रही है पहले छलियां नहीं पहले कणक फिर छलियां फिर काले चने अब मम्मी ये बना रही है चल ले पंडले थोड़ी देखिए तेल की कंजूसी बिल्कुल बढ़ती जा रही है ओके गाइस तो आज जो है वो 4 जनवरी हो चुकी है और आज नए साल की पहली बारिश है और बाहर का मौसम सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडा है सुबह से बारिश हो रही है वैसे बारिश तो रात से हो रही है लेकिन मैं सुबह लेट उठी हूँ तो मुझे सुबह से पता है तो बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही है मतलब ज़्यादा नहीं हो रही वो तो कम क्वान्टिटी में रही है पर सुबह से हो रही है तो वो कंटिन्यू हो ही रही है थोड़ी 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 हो रही है और मौसम कुछ है बाहर का ना ही धूप है और ना ही अच्छे से देखो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अभी तो बिल्कुल कम हो गई थोड़ी देर पहले और थी देखो मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है ये सारा पानी गिरता है इससे तो मुझे ये करना अच्छा लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है सुबह से और गाइस सबसे बड़ी बुरी बात है कि आज मेरे घर में सुबह से लाइट नहीं है और मैं घर में अकेली ही हूँ मेरे दादी वगैरह सब धौलरा मंदिर गए हैं बेचारों की किस्मत आज मंदिर गए और बारिश हो रही है और मम्मी दुकान पे है शिवानी ट्यूशन के लिए गई है तो मैं घर में अकेली ही हूँ और लाइट भी नहीं है वरना मैं टीवी ही देख लेती इसीलिए मैं बोर हो रही हूँ तो सोचा मैं ब्लॉग ही शूट कर लूँ तो बताइए ये देखिए मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं ठंडी ठंडी उधर जाते हैं देखिए ये रहा पूरा
मेरा गांव, ये मेरा घर, ये हमारे आस पड़ोस का एरिया। ये देखिए गाइस, ये हमारा हैंडमेड गमला है, ये वाला। इसको हमने हाथ से बनाया था ताऊजी वगैरह ने, पर अब इसमें मिर्चियाँ डाली हैं। और ये देखिए, सुंदर है वैसे तो, ये इसको खुद बनाया है ताऊ वगैरह ने। A few moments later. तो शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम थोड़ा ठीक है पहले से। वैसे तो बादल अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन मौसम काफी ठीक है पहले से, ये देखिए। और इधर भी साफ मौसम लग रहा है, लाइट भी आ गई है। देखो गाइस, मेरी चाय बनके रेडी हो चुकी है, ये देखिए, ये देखिए। अम्मा कित तो गई, यूट्यूब पर पाना फिर। चलिए बताइए ताई, आपको कैसा लग रहा है गोवा उठाते हुए? अच्छा लग रहा है, अपने कर्म के अनुसार। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ, पर आज सोसाइटी नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं चीनी लाने। और भी कुछ साफ तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। और ये चुड़ैल भी मेरे साथ ही है, गाओ गाओ। तो सबसे पहले आप एक कंटेनर ले लीजिए और उसको आग के ऊपर रख दीजिए, चूल्हे के ऊपर रख दीजिए। अब हमें इसे थोड़ा सा गर्म करना है ताकि इसमें जो भी नमी है, जितना भी वो है, वो सूख जाए और ये हार्ड ड्राई हो जाए। अब इसमें पानी था ही नहीं, इसलिए ऑयल डाल लेंगे, ऑयल कम डाल लेंगे वरना मम्मी की टाइम चप्पल आएगी। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। आज जरा प्याज की भी तंगी है हमारे पास, प्याज से ज़्यादा हमारे पास लहसुन है, टमाटर खत्म। इसलिए अब जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम लहसुन को कूटेंगे, बराबर ही पकता है इसलिए हम उसको कूट लेंगे। अदरक और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा जायका लाता है ये पिंक वाली दाल में, तो हम उसको कूट लेंगे। हमारे बॉडी में एक मैजिक है कि जैसे हम उसको कूटने लगते हैं, हमारे बॉडी ऐसे ऐसे करती है। बोलो आगे बॉड बोले बोले बोले। और ये औरत जो वीडियो बना रही है इसको भी पांडे में तोड़ो, और तुम लकड़ू लगा, लकड़ू लगाते रहे, माता का नाम लेते रहे। तेल गर्म हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं। एक तो मुझे कोरोना का इंजेक्शन होता है उस मूवी में, जिसकी वजह से मेरे बाल चल रहे हैं। तो हमने उसमें मूवी डाल दी, हाँ मिर्च डाल दी, डाल दी। जब मिर्च ब्लैक हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अगर तेल को आप आधा गर्म रखते हैं, मतलब अच्छे से आप उसको गर्म नहीं होने देते हैं, तो ये बाद में सब चीज़ इसका बहुत ही गर्म। और बीन को ब्लैक करने के चक्कर में उसे फूंक ना दें, बिकॉज ये ज़्यादा ब्लैक हो जाए तो ये फूंक भी जाता है। श्वनी क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे लिए कुछ बस नहीं रोक रहा है, और इतनी देर से हम बैठे हैं, और ये चाचा बड़ा पछाड़ हो गया इसलिए गाड़ी नहीं रोकी, चला गया चाचा। मुझे पता है रामा वाला आएगा, वो बस रोकेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।